हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केसरवानी एकेडमी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि TCS में कितने रोल होते हैं, आपको इंटरव्यू राउंड के लिए उनका पैकेज क्या होता है और उसमें इंटरव्यूअर के द्वारा आपके क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं, कोडिंग क्वेश्चंस, MR के क्वेश्चंस, HR क्वेश्चंस। आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि आपके HR MR क्वेश्चंस किस टाइप के आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, इंटरव्यू राउंड में TCS के, और कुछ सब्जेक्ट्स के जो CSIT से बिलोंग करते हैं उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा आप लोगों को, जो आपको इंटरव्यू क्लियर करने में हेल्प करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखो गाइस, इंटरव्यू राउंड जो होता है TCS सिलेक्शन प्रोसेस में दो रोल आपको देता है। पहला निंजा रोल होता है, सेकंड डिजिटल रोल होता है। अब देखो, निंजा हायरिंग पे हम लोग निंजा हायरिंग प्रोसेस पे देखते हैं कि क्या क्या आपके टॉपिक्स पूछे जाते हैं और इसका क्या पैकेज होता है और किस लेवल का इंटरव्यू आपसे इसमें क्वेश्चन उठा सकता है। देखो, TCS निंजा हायरिंग इसका पैकेज क्या होता है, 3.36 LPA टू 3.60 LPA। अब इसमें क्या, इसका क्या मतलब है कि आपका पैकेज जो होता है एनुअली 3,36,000 रुपए से 3,60,000 रुपए आपका TCS निंजा रोल के लिए आपका इसका पैकेज होता है। अब इसमें इंटरव्यूअर के द्वारा क्या क्या टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं निंजा रोल में। देखो, तो पहला आपसे इंटरव्यूअर यही क्वेश्चन करेगा अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं कि आप टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मतलब आपका इंट्रोडक्शन वो मांग रहा है कि अपने बारे में बताइए। अब इंट्रोडक्शन देते वक्त आपको आपको अच्छा कंटेंट इंट्रोडक्शन में याद कर लेना है कि आपको वो चीज़ें बतानी है। मेन बात ये होती है कि आपको इंट्रोडक्शन में प्रोजेक्ट बताना है या नहीं बताना है। देखो, मैं तो यही कहूँगा, अगर आपने प्रोजेक्ट खुद बनाया हुआ है अपनी मेहनत से तो आप प्रोजेक्ट का वहाँ पे बिल्कुल आप लोग प्रोजेक्ट उसमें इंट्रोडक्शन में बताइए कि हाँ, ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, इस बारे में है, सोसाइटी में इसका ये इम्पोर्टेंस है इस प्रोजेक्ट का और ये काम करता है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर आपने खुद प्रोजेक्ट नहीं बनाया हुआ है, अगर आपने वेबसाइट से प्रोजेक्ट लिया है, उसमें कुछ चेंजेस करके अपने काम निकालने के लिए प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसके हिसाब से आप अपने इंट्रोडक्शन में उसको प्रोजेक्ट के बारे में बताइए ही नहीं। क्योंकि तो अगर वो प्रोजेक्ट के बारे में आप बताएंगे और बाई चांस उसने आपसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछना चालू किया तो फिर आप वहाँ पे फंस जाएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन इधर उधर से उठा लिया उसने तो आपका इंटरव्यू स्टार्ट होते ही ख़राब हो जाएगा, मतलब थोड़ा एक्सप्रेशन इंटरव्यूअर के सामने आपका बेकार हो जाएगा। तो इस वजह से अगर आपने प्रोजेक्ट खुद बनाया हुआ है तो अच्छी बात है, आप प्रोजेक्ट वहाँ पे बताइए इंट्रोडक्शन में। अगर नहीं बनाया हुआ है तो आप मत बताइए। प्रोजेक्ट आपका पूछा भी जा सकता है निंजा रोल में और नहीं भी पूछा जा सकता है। अब देखो, थर्ड क्या आता है इंटरव्यूअर के द्वारा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, टेक्निकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो आपने अपने रिज्यूमे में सब्जेक्ट लिखे होंगे वो टेक्निकल क्वेश्चन करेगा। अगर कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो रिज्यूमे देखता है नहीं है, बहुत इंटरव्यू होते हैं कि मांग लेते हैं फिर देखते हैं, लेकिन बहुत होते हैं कि नहीं देखते हैं, तो आपसे खुद पूछेंगे कि आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप वो सब्जेक्ट बताइए जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, फिर वो आपसे उसमें टेक्निकल क्वेश्चन करेगा। आप उन्हीं सब्जेक्ट को बताइए जिसमें आप बिल्कुल कन्फर्म है कि हाँ, मैं इसका प्रॉपर आंसर दे सकता हूँ। कोडिंग क्वेश्चन आपके निंजा रोल में पूछ सकता है, एक कोड आपसे पूछ सकता है, नॉर्मल लेवल का होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, इजी लेवल का क्वेश्चन होता है। HR और MR ये आपके क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे पूछे जाते हैं, खासकर TCS में। TCS में आपके HR और MR इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक ही इंटरव्यूअर आपका आता है TCS में, जो आपके तीनों राउंड लेता है, टेक्निकल, HR एंड MR, तीनों राउंड आपके लेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बाई चांस आपके तीन इंटरव्यूअर आते हैं, एक आपका टेक्निकल पूछेगा आपसे, दूसरा HR भी पूछेगा और तीसरा MR पूछेगा, MR के इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा। तो आप लोग प्रॉपर तैयार करिए कि HR क्वेश्चन कैसे होते हैं, उनका आंसर क्या देना है, MR के क्वेश्चन कैसे होते हैं, उनका कैसा आंसर देना है। HR और MR के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा आगे कि किस लेवल में पूछा जाता है, ठीक है, इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, डिजिटल डिजिटल रोल आपका दूसरा रोल होता है आपका TCS में डिजिटल रोल, ये हायर पैकेज के लिए होता है। इसका पैकेज जो आपका होता है 6.5 LPA टू 7.5 LPA होता है। तो फ्रेंड्स देखो, ये देखो, इसमें 6.5 लाख से आपकी 7.5 लाख तक इसमें आपको सालाना एनुअली रुपए आपको मिलते हैं कंपनी के द्वारा, ठीक है।
इसमें आपको देखो क्या क्या टॉपिक्स इंटरव्यूअर के द्वारा पूछे जाते हैं या इंटरव्यू में आपके पूछे जाते हैं। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला आपका क्वेश्चन यही रहता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इंटरव्यूअर के द्वारा इंट्रोडक्शन के बारे में आपसे वो पूछ रहा है आपके। सेकंड क्वेश्चन आपका डिजिटल में क्या पूछेगा, प्रोजेक्ट डिटेल में, डिटेल में मतलब प्रोजेक्ट के अंदर भी वो आपसे क्वेश्चन करेगा अच्छे खासे लेवल का, आप बताइए उसको कैसे क्या आपने ये काम किया है। प्रोजेक्ट को बिल्कुल ढंग से तैयार कर लीजिएगा कि आपके प्रोजेक्ट का क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में या आपके सोसाइटी में, और ये ह्यूमन बींग्स के लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है आपका प्रोजेक्ट, कोई मतलब ये मदद कर रहा है ये प्रोजेक्ट आपने जो बनाया है कि नहीं सोसाइटी के लिए, ये सब चीज़ें भी आपसे वो एचआर टाइप के क्वेश्चन भी से पूछ सकता है, ठीक है। तो आप प्रोजेक्ट अपने प्रोजेक्ट की डिटेल आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, ये आपसे पूछता है डिजिटल राउंड में। टेक्निकल क्वेश्चन ये तो आपको निंजा में बताया मैंने, निंजा में पूछेगा डिजिटल में भी पूछेगा। टेक्निकल क्वेश्चन में कोई हार्ड नहीं पूछता है, वही पूछता है जो निंजा में पूछेगा वही आपका इसमें भी पूछेगा डिजिटल में, क्योंकि भाई सब्जेक्ट में तो थ्योरी पार्ट तो वही रहेंगे ना, अलग थोड़ी कुछ पूछ लेगा हार्ड में। कोडिंग क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं, दो क्वेश्चन आपके कम से कम पूछे ही पूछे जाते हैं डिजिटल राउंड में। कोडिंग क्वेश्चन का लेवल भी मीडियम होता है, इसमें हार्ड नहीं होता है, मीडियम होता है, आसान होता है कोडिंग क्वेश्चन, आप लोग आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। एचआर और एमआर के क्वेश्चन आपके पूछा ही पूछा जाता है, टीसीएस का अगर आपका निंजा रोल हो या डिजिटल रोल हो, ठीक है। अब देखो आगे मैं बताने क्या जा रहा हूँ आपको कि किस टाइप के कोडिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं टीसीएस के इंटरव्यू राउंड में। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ, ये कोडिंग क्वेश्चन जो है मेरे फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया है और मैंने दिया है टीसीएस का, तो कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने उनसे पूछ के या अपने क्वेश्चन जो मुझसे पूछे गए हैं वो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर के द्वारा पूछे गए हैं, तो वो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिएगा, या ऐसे ही क्वेश्चन आप लेवल समझ जाइए कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर में इंटरव्यूअर के द्वारा आपसे पूछा जाता है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्शन, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। आपको जिस भी लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है आप कोडिंग क्वेश्चन करना, आप उस लैंग्वेज में उसको बताइए कि मुझे इस लैंग्वेज में मैं कंफर्टेबल हूँ, इस लैंग्वेज में अपना कोड कर सकता हूँ। ज़्यादातर लोग तो पाइथन में ही कोड करते हैं, लेकिन वो आप अगर आप नहीं पाइथन अच्छे से जानते हैं तो आपको जिस लैंग्वेज में भी आपको करना आता है कोड उस लैंग्वेज में आप बताइए कि इंटरव्यूअर को मैं इस लैंग्वेज में कोड करूँगा, सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन आपको जिसमें भी आता है। रिवर्सिंग नंबर ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है। सॉर्टिंग आपकी पूछी जाती है, सॉर्टिंग मतलब आपसे कोई भी सॉर्टिंग पूछ सकता है, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ठीक है, ये सब सिलेक्शन इंसर्शन ये आपकी सॉर्टिंग कोड पूछ सकता है। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछता है, कोई भी पैटर्न दे देगा ट्रायंगल में या कोई भी पिरामिड टाइप का, इस वैसे टाइप के पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कोडिंग क्वेश्चंस में, ठीक है। रिवर्स एरे विदाउट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू राउंड में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा आराम से। अब देखो फिबोनाची सीरीज ये आपकी पूछी जाती है कोडिंग क्वेश्चंस में, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब फर्स्ट प्राइम नंबर प्रिंट करो या कोई भी बीच के प्राइम नंबर बताओ इस यहाँ से यहाँ तक के लिए, उस प्राइम नंबर के लिए आपका कोडिंग क्वेश्चन उठाया जाता है। सॉर्ट द वर्ड्स इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर, ये क्वेश्चन आपका कोडिंग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के आपके कोडिंग क्वेश्चन टीसीएस इंटरव्यू राउंड में आपके पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बता दिए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है दोस्तों से पूछे गए हैं इंटरव्यूअर के द्वारा, और कुछ क्वेश्चन मुझसे भी पूछे गए हैं। मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए तो मैंने बताया एक रिवर्स एरे विदाउट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था प्राइम नंबर वाला कि एक से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। तो आपको ये भी तैयार करना है ढंग से, ठीक है। कोडिंग क्वेश्चन आपको बता दिया किस लेवल के होते हैं। अब देखो अगला क्या है कि एमआर राउंड के क्वेश्चन आपसे वो इंटरव्यूअर कैसे करता है टीसीएस में। देखो एमआर राउंड के क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके बिल्कुल माइंड एबिलिटी चेक करने के लिए पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आराम से बिल्कुल उसको जवाब दीजिए जो आपको सही लगे, और कुछ कुछ आपको मैं हिंट देता जाऊंगा कि इसमें आपको क्या बताना है। देखो तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट टेक्नोलॉजी हैव यू वर्कड अपॉन टिल नाउ, तो इसमें आपको क्या पूछ रहा है वो कि आपने अभी तक अपने कैरियर में जितना भी आप चल के आए हैं अभी
उसमें आपने अभी तक कितनी टेक्नोलॉजी पे वर्क किया है, मतलब आपने कितनी टेक्नोलॉजी सीखी हैं अभी तक, और अगर वर्क किया है तो वो मुझे बताइए। तो आपको उसमें बताना होगा कि आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सीखी हैं। अब टेक्नोलॉजी में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब चीज़ें आपकी टेक्नोलॉजीज में आती हैं। डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, फुल स्टैक डेवलपमेंट, ये आपकी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजीज में आती हैं। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे एम आर राउंड में बताना होगा कि आपने इन टेक्नोलॉजीज में से आपने कौन कौन सी चीज़ें सीखी हैं। अब आप वही टेक्नोलॉजीज बताइए वहाँ पे जिसको आपको लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है, मैं उसको जवाब दे सकता हूँ। अगर वो मुझसे उस टेक्नोलॉजीज के क्वेश्चन, मतलब उस टेक्नोलॉजीज से क्वेश्चन उठाएगा तो मैं उनके जवाब दे पाऊँगा। तो आप टेक्नोलॉजीज के भी आंसर बताइएगा अगर आपसे वो पूछे। वॉट विल बी योर रिएक्शन इफ द डेडलाइन ऑफ योर प्रोजेक्ट सडनली डिक्रीजेज। अब इसका क्या मतलब है कि सेकेंड एम आर राउंड का क्वेश्चन देखो कैसा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पे दिया हुआ हूँ, ये आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। तो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी लिस्ट आपको बना दी है कि ये क्वेश्चन आप लोग एक बार जरूर देख के जाइएगा। तो इसका क्या मतलब है, कह रहा है कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट कंपनी के द्वारा दिया गया है, आपको हायर किया गया है किसी प्रोजेक्ट के लिए, अगर उसमें आपको इतना टाइम दिया गया, मान लो कि 10 दिन का टाइम दिया गया है, ठीक है 10 दिन का टाइम है। अब अचानक से कोई है जो, मतलब जो भी उसका मैनेजर है आपका प्रोजेक्ट का, ठीक है, उसने आके आपसे कहा कि नहीं ये प्रोजेक्ट आप लोगों को 7 दिन के अंदर ख़त्म करना है, 10 दिन का टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप लोग को क्या रिएक्शन रहेगा उस टाइम पे। देखो आप लोग 10 दिन के हिसाब से अगर चल रहे होंगे तो आपका वर्क थोड़ा थोड़ा पीछे रहेगा। अब आपसे एक बार में कह दिया जाएगा कि 7 दिन में करो तो आपका वर्क उसके हिसाब से पीछे तो रहेगा ही। वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा, वो उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर आप लोग क्या देंगे, या आपको देखो यहाँ पे आंसर ये बता सकते हैं कि जो मेरे टीम मेंबर्स होंगे, अगर आप उस टीम के लीडर हैं तो आप अपने टीम मेंबर्स का सपोर्ट मांगना चाहेंगे कि वो मेरा सपोर्ट करे साथ में, कि ये काम जो मेरा पीछे रह गया है हम लोग साथ मिल के प्रॉपर इसको वर्क करें अच्छे से, और जल्दी जल्दी जितना काम हम लोग का पीछा रह गया है जितना जितना जल्दी सॉर्ट आउट कर सकें उस काम को उतना जल्दी कर सकें। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि आपको लीडरशिप दिखानी है, या आप कैसे अपने टीम मेंबर्स को अपनी सपोर्ट में ला सकते हैं कि आपका काम, वो प्रोजेक्ट का काम आपका जल्दी से जल्दी हो जाए, वो आपके डेडलाइन टाइम से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका जवाब यही देना है कि आपको टीम मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होएगा और जिससे वो आपका काम जल्दी से जल्दी हो सके जो आपको प्रोजेक्ट दिया गया। वॉट क्वालिटी डू यू हैव दैट डिफर्स यू फ्रॉम अदर्स। इसमें क्या कह रहा है कि आप इंटरव्यूअर के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट क्वालिटी डू यू हैव दैट डिफर्स यू फ्रॉम अदर्स। इसका क्या मतलब है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको दूसरे लोगों से डिफरेंट करती है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि जो आपके अंदर क्वालिटी है वो दूसरे के अंदर भी होएगी, है कि नहीं, आपके अंदर कुछ तो अलग होएगा। तो वो चीज वो जानना चाहता है वहां पे कि आपके अंदर क्या ऐसा अलग है जो तो आपको दूसरों से अलग करती है, जिसके कारण मैं आपको उन लोगों को ना हायर करके आपको अपनी कंपनी में जॉब ऑफर दूं, ठीक है। तो वो चीज़ वहाँ पे आके उसका जवाब देना होगा इस क्वेश्चन में, ठीक। अब आपको बताना है वहाँ पे, जैसे अगला क्वेश्चन दिया निगेटिविटी अबाउट योर सेल्फ, वो अगला क्वेश्चन करेगा कि निगेटिविटी अबाउट योर सेल्फ। तो इसका क्या मतलब है कि आपको एक अपनी निगेटिव चीज़ बतानी है लाइफ की जो आपको ख़राब लगती है करना, ठीक है। तो वहाँ पे आपको वो चीज़ बता रहा है। अब इसका आंसर आपको कैसे देना है कि वो निगेटिव चीज़ को आपको बतानी तो है, लेकिन उसके साथ साथ आपको उसमें अपनी पॉजिटिव चीज़ भी जोड़ देनी है, ठीक है। तो जिससे क्या होएगा कि आप वहाँ पे उसको अपना निगेटिविटी तो बता रहे हैं लेकिन उसके साथ अपनी पॉजिटिविटी बता रहे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखो मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आप बताओ कि मेरी सबसे ख़राब आदत ये है, निगेटिविटी ये है कि अगर मैं कोई काम को प्रॉपर करना लग जाता हूँ तो मैं उसे तब तक किए बिना नहीं छोड़ता हूँ जब तक वो कंप्लीट हो नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी क्या बता रहे हो कि निगेटिविटी बता रहे हो कि मैं वहाँ पे एक काम को अगर लग जाता हूँ तो उस काम को करता ही रहता हूँ, ठीक है, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता है। अब यहाँ पे एक आपको पॉजिटिविटी भी दिख रही है कि आप अपने काम के प्रति कितना सतर्क हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक अपनी पॉजिटिविटी भी दिख रही है कि आप उसका क्या आंसर दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें, ऐसे क्वेश्चन आपको एम आर राउंड में आपको बताने हैं, क्वेश्चन पूछेगा आपको, इसके आंसर आपको इंटरव्यूअर को देने हैं जिससे वो सेटिस्फाई हो सके। आर यू कंफर्टेबल इन वर्किंग
टीम और डू यू लाइक टू वर्क अलोन। अब इसमें क्या है कि वो क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि आप जो आपको कोई भी प्रोजेक्ट दिया गया, कोई टास्क दिया गया, तो आप मतलब टीम के साथ वर्क करना अच्छा समझते हैं या आपको अकेले काम करना अच्छा पसंद लग अच्छा मतलब अच्छा लगता है, आपको टीम वर्क अच्छा लगता है या आपको अकेले काम करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आपको वहाँ पे उसको जवाब देना है कि आपको क्या पसंद है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लोग अपने हिसाब से वहाँ पे जवाब दीजिएगा, आंसर करिएगा। हैव यू डन एनी सर्टिफिकेशन, इसको भी आप, अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन अभी तक कर चुके हैं तो वहाँ पे आपको उसको बताना होगा कि आपने क्या क्या किया है अभी तक। ये आपके ऐसे MR राउंड के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं TCS राउंड में। तो आपको मैंने थोड़ा हिंट दे दिया है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको आंसर उसके कैसे बताने हैं, तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो HR इंटरव्यू के क्वेश्चन आपके कैसे पूछे जाते हैं TCS इंटरव्यू राउंड में, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपके क्वेश्चन आपके HR के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतने क्वेश्चन आपके पूछे पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है, इंटरव्यूअर के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन तो देखो यही है कि वाई आर यू वॉन्ट टू ज्वाइन TCS, मतलब आप TCS हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप क्यों अलग जो हमसे अच्छा पैकेज आपको दे रही है उसको आप क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, वो कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका HR राउंड में पूछा जाता है। हाउ मेनी ईयर्स यू वॉन्ट टू डू दिस जॉब, यहाँ पे आपकी वो थोड़ा मेंटल एबिलिटी चेक कर रहा है, आपको कंपनी के प्रति आपकी वो मेंटल एबिलिटी चेक कर रहा है कि आप कितने साल तक ये कंपनी जॉब ये मतलब ये जॉब करेंगे आप इस कंपनी में, ठीक है, कितने साल तक आप ये जॉब करेंगे इस कंपनी में, ये चीज़ कहना चाह रहा है वो। तो यहाँ पे आपको बताना होगा, क्या बताना होगा, देखो मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको क्या बताना होगा यहाँ पे, उसको आप लोग ये बता सकते हैं कि अभी तो मैं फ्रेशर्स हूँ, ठीक है, मुझे तो अभी यही ऑफर अब मिल रहा है कंपनी की तरफ से, मेरे लिए तो यही सबसे अच्छी बात है, और वैसे भी मेरी TCS ड्रीम कंपनी है, तो मैं क्यों इसको छोड़ के मतलब मैं इसको क्यों छोड़ूंगा, मुझे तो जितने भी टाइम तक ये कंपनी अगर जॉब करने को मिलेगा मैं तो उतने टाइम तक ये कंपनी में जॉब करूंगा, ठीक है। व्हाट डू यू नो अबाउट TCS, तो कोई भी आपका इंटरव्यू राउंड होता है तो आप हमेशा इंटरव्यू राउंड देने से पहले ये चीज़ जरूर तैयार करके जाइए कि कंपनी कहाँ की है, कंपनी कैसी है, और कंपनी के बारे में आप लोग पढ़ के जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इज देयर एनी थिंग विच मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स, देखो ये क्वेश्चन वही है जो अभी मैंने पिछले MR राउंड में पूछा गया था कि आपका मतलब आपको क्या ऐसा कौन सी क्वालिटी आपके अंदर जो आपको दूसरे लोगों से डिफरेंट करती है, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैं आपको बताया था आंसर, तो वही चीज़ है यहाँ पे भी, वही चीज़ पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपके HR के क्वेश्चन है। अब अगला क्या है, वाई शुड वी हायर यू, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा जाता है कि आपको मैं क्यों हायर करूँ, मतलब आपके अंदर ऐसा क्या है कि जिससे मैं आपको अपनी कंपनी में तुरंत ले लूँ, तो आपको वो चीज़ बतानी है उसको कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिससे वो आपको अपनी कंपनी में जॉब ऑफर दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना बताना होगा जो आपका आंसर होगा। वॉट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अब आप मतलब एक स्ट्रेंथ पॉइंट बताइए जहाँ पे आप आपकी मजबूत हैं आप, और आपकी एक वीकनेस बताइए जो मतलब आपकी कमजोरी पूछ रहा है वो, कि आपकी क्या कमजोरी है, ठीक है, किस चीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विल यू बी कंफर्टेबल रीएलोकेटिंग, इसका क्या मतलब है कि आप मतलब देखो जहाँ भी आप लोग रह रहे हैं तो ठीक, अगर देखो प्रॉपर जहाँ की कंपनी अगर वहीं आपका ठिकाना है, मतलब वहीं आपका होम है, हाउस है, घर है, तो वहाँ पे तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, इधर से उधर चेंज करने की जगह आपको दिक्कत तो होगी नहीं, वहीं आपको रहना है, वहीं आप अगर कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं। अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के, दूसरे स्टेट के आप लोग हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको वो आंसर बताना होगा कि आप वहाँ पे कंफर्टेबल होंगे, आप एक जगह से अपने घर अपना घर छोड़ के आप कंपनी की लोकेशन में आप आएंगे। तो ये आपके HR के क्वेश्चन होंगे जो TCS में आपके पूछे जाते हैं। अब देखो अगला क्या है, देखो रिसोर्सेस में बता रहा हूँ कि आप लोग कहाँ कहाँ से ये टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इन सब सब्जेक्टों पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से ये जाके सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं इंटरव्यू राउंड के लिए। काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं और उनके कलेक्शन अच्छा खासा है वहाँ साइट पे, जावा टी पॉइंट साइट है आपकी, वहाँ से आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। कोई भी टॉपिक्स है उसका अच्छा कलेक्शन है, अच्छा थ्योरी पार्ट है,
समझाया गया है, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं पढ़ के, ठीक है। तो जैसे मैं एक चीज खोल के दिखा देता हूँ, जैसे जो मैंने डेटा स्ट्रक्चर को क्लिक किया, देखो यहाँ पर मैंने लिंक उसका लगा रखा है, तो उसी के साइड में पहुँच जाऊँगा मैं। देखो जैसे ये देखो डेटा स्ट्रक्चर ट्यूटोरियल, यहाँ पे क्या है, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, इसकी डिफिनीशन दी गई है, ठीक है, ये सब टाइप इसके बताए गए हैं। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में ये आपका ये टेबल बनी है, इसमें देखो जो भी टॉपिक्स है आपका, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, लिंक लिस्ट, टाइप ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है, लिंक लिस्ट पे जैसे आप क्लिक करें, देखो लिंक लिस्ट खुल गया। अब लिंक लिस्ट के बारे में आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, आपको पूरा यहाँ पे बताया गया कि वाई यूज लिंक लिस्ट ओवर एरे, ये सब चीज़ें आपकी जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट हैं सब पढ़ सकते हैं आप लोग यहाँ से, इस साइट से, जावा टी पॉइंट, आपकी बहुत बढ़िया साइट है ये, आप लोग यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं अच्छे से। अब देखो अगला क्या है, डेटा स्ट्रक्चर। अब देखो मैं कुछ सब्जेक्ट हैं जो CSIT से बिलोंग करते हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो आपके मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ, जो आपसे पूछे ही पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू राउंड में। तो यार ये चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है, इसको सीरियसली ले लेना यार, बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, अच्छे से इनको ढंग से पढ़ के जाओ इंटरव्यू राउंड में। अगर आपने रिज्यूमे में अपनी ये सब्जेक्ट अप्लाई कर रखे हैं, ये टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं, मुझसे भी पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए ही बना रहा हूँ कि आप लोग को पता लग सके कि क्या चीज़ें क्या आपको इंटरव्यूअर के द्वारा पूछी जाती हैं, जो फ्रेशर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्रेशर्स को बिल्कुल भी नहीं अंदाजा होता है, अगर सीनियर उसके टच में होता है तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं, अगर सीनियर उसके टच में नहीं है कोई भी, तो उसको नहीं पता रहता है कि क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इधर उधर से जानने की कोशिश करता है, तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। डेटा स्ट्रक्चर में देखो पहली बात तो इंटरव्यूर आपसे उसके व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स के बारे में पूछेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी अगर सब्जेक्ट है तो उसके बारे में आप उसकी डिफिनीशन और उसके टाइप्स ये जरूर याद कर लीजिए, ये पूछा ही पूछा जा सकता है आपसे। एरे एंड लिंक लिस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इंटरव्यू राउंड के हिसाब से, लिंक लिस्ट तो खासकर आपका ये पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है, इंटरव्यू राउंड में। डेटा स्ट्रक्चर आपने रिज्यूमे में अगर अप्लाई किया, लिंक लिस्ट के बारे में आपसे पूछेगा, आप उसको लिंक लिस्ट बताइए क्या होता है, फिर उसके लिंक लिस्ट के कोई एग्जांपल अगर आपको पता है वो बताइए, उसके टाइप्स बताइए, टाइप्स बताइए, आपको जितने भी टाइप्स पता है वो एक एक करके बताते जाइए। एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर आप ज़्यादा बोलने लगेंगे, मतलब ज़्यादा अगर थ्योरी आपको अच्छे से तैयार है बताने लगेंगे, तो इंटरव्यूअर आपसे खुद कह देगा ओके ओके मतलब सफिशियंट, मतलब पर्याप्त है, आपका आंसर आपने अच्छे से बता दिया है, तो आप खुद रोक के वो अगला क्वेश्चन पूछने लगेगा, ठीक है। स्टैक एंड क्यू, ये आपको तैयार कर लेना है। ग्राफ एंड ट्री, इस पर भी आपको क्वेश्चन अच्छे से देखना है, ट्री में मतलब आपको बाइनरी ट्री, वी ट्री, एवीएल ट्री, आरबी ट्री, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से ढंग से पढ़ लेनी है, इनकी थ्योरी पार्ट, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप इसकी बिल्कुल न्यूमेरिकल पार्ट में जाइए, थ्योरी पार्ट आप लोग बिल्कुल ढंग से तैयार कर लीजिए ग्राफ का, ट्री का। हीप डेटा स्ट्रक्चर, ये भी आपसे पूछा जाता है, इसका भी थ्योरी पार्ट आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मैंने आपको बताया, सिलेक्शन, इंसर्शन, बबल, हीप, क्विक, मर्ज, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ इनके प्रॉपर कोड बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अगर देखो कोडिंग क्वेश्चन आपसे पूछा हो, ठीक है, कोडिंग क्वेश्चन आप लोग मान नहीं बता पाया, फिर इंटरव्यूअर के पास एक लास्ट वो रहता है कि आपसे वो सॉर्टिंग पूछ सकता है, मतलब चलो बंदे की स्किल्स देखते हैं कोडिंग में कुछ है कि नहीं है, तो आपसे कोडिंग पूछ सकता है कोई भी, मतलब आपसे सॉर्टिंग पूछ सकता है कोई भी, कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या है, इंसर्शन सॉर्ट क्या है, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ और उसका कोड करके दिखाओ, तो कम से कम आपको सॉर्टिंग तो अच्छे से आती हो, वो चीज़ें आपको तैयार कर लेनी है। ये डेटा स्ट्रक्चर का हो गया। अब ऊप्स का देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, ऊप्स में आपके व्हाट इज ऊप्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स में उनके एग्जाम्पल के साथ उनके टाइप भी अच्छे से तैयार कर लेने हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है, चार टाइप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनके एग्जाम्पल के साथ साथ इनके टाइप्स जितने के भी हैं, ये आपको बिल्कुल ढंग से पढ़ लेना है, रट लेना है, आपसे पूछे तुरंत आप इसका जवाब दो। कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ये आपसे पूछा जाता है उसमें। मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, ये आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू राउंड में। एक्सेप्शन हैंडलिंग, रियल टाइम एग्जाम्पल ऑफ ऊप्स, अगर ऊप्स से अगर आप क्वेश्चन हुआ है
तो इंटरव्यूअर कुछ कुछ होते हैं जो आपसे कहते हैं कि आपसे मतलब जो करंट लाइफ आपकी चल रही है, मतलब रियल लाइफ जो आपकी चल रही है, उससे आप कोई ऊप्स का एग्जाम्पल दीजिए जो मतलब ऊप्स से रिलेट करे, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें आपको बतानी होंगी। मैनिपुलेटर्स ये आपसे पूछा जाता है। देखो यार, कोई भी कंपनी में ये नहीं होता है कि क्वेश्चन वहाँ पे कुछ अलग हो जाएगा, कंपनी भले डिफरेंट हो लेकिन आपके टॉप जो सब्जेक्ट होते हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहीं भी कोई भी कंपनी में वही पूछे जाते हैं, अलग कोई कंपनी कोई क्वेश्चन नहीं पूछ लेगी, ठीक है? तो वही मैंने बताया कि ये मुझसे क्वेश्चन आपका इन्फोसिस में पूछा गया था, रियल टाइम एग्जाम्पल ऑफ कूप। अब देखो डीबीएमएस, डीबीएमएस क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसका देखो, डिफरेंस बिटवीन बताना है आपको डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में, आरडीबीएमएस में इसका डिफरेंस पूछा जाता है। कीज आपको मतलब कितने टाइप की कीज होती है, प्रॉपर उसके एग्जाम्पल थ्योरी पूरा बताना है, ठीक है? नॉर्मलाइजेशन और उसके टाइप्स विद एग्जाम्पल, ये आपको इम्पोर्टेंट है काफ़ी। नॉर्मलाइजेशन तो आपको रट लेना है, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF, ये आपको पढ़ के जाना है। ज्वाइन एंड टाइप्स ऑफ ज्वाइन ये भी आपका पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन आपको पढ़ लीजिएगा। बेसिक प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एक और आता है इसमें डेडलॉक, डेडलॉक भी अगर आपको पढ़ना हो डेडलॉक भी पढ़ लीजिएगा, डेडलॉक भी पूछ सकते हैं आपसे, मैंने यहाँ पे बताया नहीं है लेकिन आपको पढ़ लीजिएगा डेडलॉक भी। एसक्यूएल क्वेरी के क्वेश्चन आप डीबीएमएस से जो प्रैक्टिस करके जाइए, एसक्यूएल क्वेरी काफ़ी आसान पूछी जाती है, बस ये है कि लोग डरते हैं एसक्यूएल नाम से ही, क्वेरी नाम से ही, तो क्वेश्चन आपके काफ़ी ईजी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में लेकिन आप लोग छोड़ के जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके जाइए, अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, अगर आपसे टफ पूछ लिया नहीं आया तो चलो ठीक है, वैसे भी मुझसे नहीं होना था, अगर आपसे हो जा रहा था ये तो अच्छी बात है कि आपसे हो गया है। तो ये टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है, डीबीएम में पढ़ के जाइएगा, ठीक है? अब देखो लास्ट है कंप्यूटर नेटवर्किंग, इसमें क्या क्या आपके मेन टॉपिक्स पूछे जाते हैं। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क बताना है एंड उस नेटवर्क टोपोलॉजी बताना है। नेटवर्क टोपोलॉजी आप मतलब बताया था मैंने, बस टोपोलॉजी क्या होती है, स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, ये सब चीज़ें आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी में आती है, ठीक है? अब सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा, गेटवे एंड राउटर, गेटवे क्या होता है, राउटर क्या होता है, इनके बारे में डिफरेंस बताइए। DNS, NIC, 10BASE-T, POP3, RAID, ये सब चीज़ें आपसे कंप्यूटर नेटवर्किंग में इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। IP एड्रेसेस क्या होते हैं, मतलब लेयर्स इन OSI रेफरेंस मॉडल, कितने टाइप्स की लेयर्स होती हैं OSI रेफरेंस मॉडल में, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग में, इसको भी ढंग से बिल्कुल पढ़ लीजिए, रट लीजिए। RSA एल्गोरिथम बताइए, नेट स्टैट बताइए, RIP बताइए, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं नेटवर्किंग में, कंप्यूटर नेटवर्किंग में। तो इतने आपके टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग यार इनको ढंग से तैयार करो, इतना ही अगर आप लोग ढंग से पढ़ के जा रहे हो तो इतना तो मैं मानता हूँ कि हाँ जितने मैंने यहाँ पर बताया है उससे आप क्लियर तो कर ही लोगे यार इंटरव्यू राउंड, क्योंकि अपने हिसाब से तैयार करके सब चीज़ें जाओ, सब चीज़ पढ़ के जाओ। लेकिन बाय द वे अगर नहीं हो पाया आपसे तैयार, कुछ भी मान लो कुछ भी दिक्कत आ गई, तो आप लोग कम से कम कुछ दिन पहले ये टॉपिक्स पढ़ के ही जा सकते हो कि हाँ ये टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है, इतना ही मैं पढ़ के चला जाऊँ तो शायद मेरा कुछ हो सके, शायद मैं क्लियर कर लूँ, ठीक? तो इतने टॉपिक्स आपके मैंने मेन मेन बता दिए हैं। अब देखो मैंने एचआर और एचआर क्वेश्चंस के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है? उसकी प्लेलिस्ट मैं अलग से बनाऊंगा अपने चैनल पे, आप लोग वहाँ पे एचआर के क्वेश्चंस के आंसर आप लोग क्या क्या दे सकते हैं वो चीज़ें मैं बताऊंगा, आप लोग वहाँ पे वो जाके देख सकते हैं कि आपको कैसे एचआर के क्वेश्चन के कैसे आंसर देने होते हैं, क्योंकि एचआर के क्वेश्चन के आंसर काफ़ी मायने रखते हैं और लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि एचआर के आंसर हम क्या देंगे। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए।